हाय देयर, कैसे हो आप सब लोग। सो आज का जो वीडियो है न्यूट्रोजिना ऑयल क्लेंजर, ये लॉन्च हुआ था कुछ दिनों पहले, मैंने ले भी लिया था। मैं बहुत दिनों से रिव्यू प्लान कर रही थी और आप देख सकते हो काफ़ी ट्राई भी किया है। सो नाउ इट्स द राइट टाइम टू टेल यू गाइज व्हाट आई फील अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल सा पैकेजिंग है, पिंक कलर की, पिंक नहीं है कि कुछ यू नो अबोली कलर बोलते हैं या पीच कलर बोल सकते हैं, ऐसी पैकेजिंग की बॉटल है। और इसमें जो ऑयल क्लेंजर है या क्लेंजर ऑयल है वो ट्रांसपेरेंट सा है ऑयल की तरह, और काफ़ी लिक्विडी सा है एज यू कैन सी। और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई यूज़ दिस नाउ अ डेज। इसको पंप है एंड यू कैन नॉट लॉक इट वाइल ट्रैवलिंग आई गेस, बिकॉज इस पर कुछ साइंस वाइंस नहीं है। इसके साथ कोई कैप भी नहीं आया था कि जिसको आप ऐसे लगा के यू नो ट्रैवल करो। सो आई डोंट थिंक, बट यू कैन ट्रांसफर इट इन अ मिनी बॉटल और समथिंग एंड देन यू कैन प्रोबेबली यू नो ट्रैवल। ऐसे ही करती हूँ मैं। सो दिस इज़ बेसिकली ब्राइटनिंग क्लेंजिंग ऑयल विथ मलबरी एक्सट्रैक्ट विच रिमूव्स मेकअप एंड डीपली क्लेंजेस फॉर ब्राइटर क्लियर स्किन। It removes 100% waterproof makeup, clears dirt and impurities. It has soft and creamy texture that is gentle on facial skin. It does not disturb the skin's natural oil and moisture balance. Now, if we talk about ingredients, isme parabens, alcohol, mineral oil, sab kuch hai. So, if you are looking particularly for that particular thing, I think you may not like this. But I have not reacted with this product considering the ingredients. It is dermatologically tested and doesn't clog the pores, that's what the bottle says. ओवरऑल न्यूट्रोजिना के जो डीप क्लेंजिंग वाले यू नो रेंज है उसमें एक ये ऑयल क्लेंजर ऐड हो चुका है जिसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट्स है। सो इट डीपली क्लेंजेस एंड गिव्स यू काइंड ऑफ अ ग्लो और अ ब्राइटनिंग इफेक्ट, दैट्स वॉट द ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन सेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट सीन दैट केस से आपको बहुत सारा ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलता है, बट येस योर स्किन अटक रही हो, बट येस योर स्किन लुक्स लाइक काइंड ऑफ रिफ्रेश्ड एंड इट रिमूव्स मेकअप थरोली। इसको कैसे यूज़ करना है आपको पता है ना, को ड्राई स्टार्ट करना है। यू डोंट हैव टू हैव वाटर ऑन योर फेस और नॉट इवन ऑन योर हैंड्स, सो जस्ट स्टार्ट ड्राई। आपके हाथ पे ये ले लीजिए। मैं दो पंप, दो या तीन पंप लेती हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा हैवी मेकअप होता है। अगर आपका लाइट मेकअप है जस्ट टेक वन पंप और टू पंप्स बेसिकली एंड जस्ट स्टार्ट यू नो मसाजिंग। तो उससे क्या होता है ना, जो भी मेकअप है जो भी आपके फेस पे है वो मेल्ट डाउन होने लगता है, यू नो इट जस्ट काइंड ऑफ कम्स ऑफ विद दैट ऑयल। एंड देन वंस यू नो दैट कि इनफ मसाज हो चुका है, आप उसमें पानी देन ऐड कीजिए थोड़ा सा एंड देन इट विल इमल्सीफाई, लाइक इट विल टर्न इन टू मिल्की सब्सटेंस एंड यू कैन सी दैट वाइट वाला दिख जाएगा आपको। तो पहले ट्रांसपेरेंट रहेगा, बाद में वाइटिश दिखेगा। दैट्स द स्टेप वेयर यू कैन सी दैट कि ये इमल्सीफाई हो रहा है, ओके। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा मसाज करके आप इसको वॉश कर दीजिए। आई डोंट लाइक द पार्ट व्हेन इट स्टार्ट्स इमल्सीफाइंग बिकॉज इट कम्स ऑल ओवर, लाइक यहाँ से पूरा वो नीचे तक आ जाता है एंड देन आई गेट इरिटेटेड, बट यू हैव टू बेंड डाउन ऑन योर सिंक एंड डू दोज थिंग्स एनी वे। तो बेसिकली इट जस्ट रिमूव्स एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ मस्कारा अगर है, जैसे कि लैश पैराडाइज मस्कारा, तो वाटर प्रूफ वन, मैं अगर उसको बहुत सारे कोट्स में लगाती हूँ, थोड़ा सा आपको वहाँ पे ना लैशेस पे मसाज करना पड़ता है एंड देन इट गेट्स रिमूव्ड, अदरवाइज थोड़ा सा रह जाता है। और एक बात, अगर आप आँखों के पास इसको बहुत देर तक रख रहे हो और थोड़ा सा आँखों में चला ही जाता है, तो आपको स्लाइटली ना फॉर अ फ्यू सेकेंड्स थोड़ा सा ब्लरीनेस आ जाएगा। वो यूजुअली ऑयल क्लेंजर से होता ही है, कोई भी ऑयल क्लेंजर हो थोड़ा सा आपके आँखों में जाए ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार आँखों में चला गया, अजीब सा लग रहा है, ब्लरी सा विजन लग रहा है। जस्ट पानी डालो जोर जोर से आँखों में, इट विल बी ओके। लाइक इससे वॉश करने के बाद मैं एक बार फेस वॉश से भी कर लेती हूँ वंस आई नो दैट कि अच्छे से निकल गया है। तो इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ और मुझे तो अच्छा लगा, ये कोई रिएक्शन या कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेकअप निकलने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है, सेकेंडली इट डजेंट ड्राई आउट योर स्किन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेकअप निकला है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट टॉवल से थोड़ा सा ड्राई कर लो फेस एंड देन गो अगेन
विद द सेम स्टेप, लाइक जैसे हमने पहली बार की. तो दिस विल बी लाइक अ ट्रिपल क्लेंजिंग बिकॉज आप दो बार इसको यूज़ करोगे एंड देन थर्ड टाइम आप फेस वॉश यूज़ करोगे. आई विल से दैट यूज़ फेस वॉश आफ्टर एवरी ऑयल क्लेंजर. कमिंग टू द ब्राइटनिंग क्लेंजिंग ऑयल वाला फंडा, आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ वेरी ब्राइटनिंग काइंड ऑफ इफेक्ट देने वाला क्लेंजिंग ऑयल. येस यू कैन नोटिस सम रिफ्रेशमेंट ऑन योर फेस बट उतनी देर के लिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इफ़ यू फील लाइक कि आपके फेस पे बहुत सारा सनस्क्रीन है, आप बाहर जाके आए हो एंड इवन लाइक मेकअप भी नहीं है तो भी आप क्लेंजिंग ऑयल्स यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मेकअप रिमूवर के लिए यूज़ करना है. इट्स वेरी अफोर्डेबल. लाइक अगर आप अच्छे क्लेंजिंग ऑयल्स देखो तो बहुत महंगे आते हैं. कील्स का है या फिर मैक का है, बहुत महंगा है. उसके हिसाब से 850 में ये काफ़ी अच्छा है न्यूट्रोजेना से. तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली like try this. And yeah, let's wind up this video by saying subscribe to my channel, like it, share it with your friends. I'll see you in my next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.